हेलो गाइस, देखिए आज हम फ्लावर से बहुत ही इजी तरीके से आपको मेहंदी डिजाइन बता रहे हैं। आप कोई सा भी फ्लावर ले लीजिए, उसको फेविकोल की मदद से जिस तरह का आपको डिजाइन बनाना है वहाँ पर चिपका लीजिए, डंडी को काट दीजिए। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर लाइन डाल रहे हैं आउट लाइन डाल लें आप अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, ताकि आपको नए नए ट्रिक मेहंदी डिजाइन सीखने को देखने को मिलता रहे। फिर हम इसे यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। हल्का सा ही गोंद दे के इसको चिपकाना है। इसके बाद ये जो बीच में सर्कल का डिजाइन डालेंगे इस तरह से, इस तरह हम लोग सारे फ्लावर्स को फिल कर लेंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे आराम से भरिए ताकि फिनिशिंग आए। अगर आपको मेरा मेहंदी थोड़ा सा भी अच्छा लगे गाइस तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सुंदर सुंदर डिजाइन आपको देखने को सीखने को मिले। और जो बीच का सर्कल है उसमें छोटा छोटा डॉट हम लोग डाल देंगे गाइस इस तरह से, क्योंकि अगर पूरा फिल कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए सर्कल में छोटा छोटा डॉट डालना है। जहाँ पर थोड़ा सा शेप खराब है उसे आप अपने अनुसार ठीक कर लें। इससे आपको फ्लावर्स बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। बीच में आप कोन को साफ कर ले ताकि फिनिशिंग आए। घड़ी का टिक टिक आपको सुनाई पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं रात को इसे वॉइस कर रही हूँ, क्योंकि रात में सारे लोग सो जाते हैं और किसी तरह का आवाज़ नहीं आता है, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनता है। जो वीडियो बनाता है उसको पता है, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे गाइस तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ताकि जिसको सीखना है डिजाइन देखना है वो देख ले आराम से घर बैठे बिना किसी टेंशन के। नए नए ट्रिक के साथ इसका हाथ में रंग बहुत ही गहरा और सुंदर आता है। एक बार अपने हाथ में जरूर ट्राई करें, या फिर अपने घर में किसी के भी हाथ में लगाएं, देखिएगा इसका रंग बहुत ही सुंदर आता है।
देखिए किस तरह से फील कर रहे हैं। पहले एक साइड भर रहे हैं, फिर दूसरा साइड इस तरह से। आप इस तरह से हाथ रख के भी भर सकते हैं गाइस, ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। फिर थोड़ा ध्यान से हाथ में मेहंदी ना लगे। देखिए पूरा इस तरह से फील कर लिए हैं। आप लोग का टाइम बर्बाद ना होगा हो, इसलिए आगे इसको बढ़ा दिए हैं। आप अच्छे से फील कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें हम आउटलाइन डाल देंगे। ताकि डिजाइन पूरा मिक्स ना हो, इसीलिए पहले आउटलाइन डाल ले इस तरह से। देखिए पूरा आउटलाइन डल गया है। अब इसके किनारे पे हम लोग चेक का डिजाइन बना रहे हैं इस तरह से। बहुत सिंपल डिजाइन है गाइस और बहुत ही सुंदर है, तो एक बार अपना हाथ में जरूर लगाएं। देखिए कितना सुंदर कलर आता है, इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना अच्छा है। इसी तरह हम लोग जितने भी फ्लावर्स बनाए हैं सारे जगह पर हम लोग चेक का डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। सारी उंगली में, फिंगर्स में, सब जगह हम लोग अच्छे से फिनिशिंग के साथ चेक का डिजाइन बनाएंगे। देखने में बहुत ही इजी लग रहा है और सुंदर भी है। देखिए जिसे मेहंदी नहीं आता है वो भी लगा सकते हैं। फ्लावर्स रख लीजिए, फिर उसे फिल कर लीजिए, उसके बाद जो जगह बचता है वहाँ पर चेक का डिजाइन डाल दीजिए। आसानी से ये डिजाइन लग जाएगा और खूबसूरत भी बहुत है, और हाथ में इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए इस तरह से हमें चेक बनाना है। आराम आराम से बनाए बिना किसी टेंशन का। किसी भी चीज़ में टाइम तो लगता ही है, बिना टाइम का किसी भी चीज़ में आप नहीं अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इस तरह से चेक बनाना है। इसका जब पूरा चेक बन जाएगा तो इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना अच्छा आता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छा अच्छा डिजाइन देखने को सीखने का आप लोग को मिलता रहे। तो देखिए गाइस इसका फाइनल लुक कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इस तरह भी छोड़ सकते या फिर पूरा में भी चेक भर सकते, अपना अपना पसंद है इस तरह से।